1, 2, 3, 4, 5. Push, pull, and push backwards कैसे? यहाँ से. 1, push back. मतलब सामने वाले को push back करना. सीखिए. Like, attack. जैसे kick, kick attack. 1, 2, 1, 2, मतलब kick defense, 1, then kick attack with knees, मतलब आपका जो kick होगा वो सामने वाले की knee के ऊपर attack होगा, like 1, 1, 2, 2, 3, कहाँ पे? चेस्ट के ऊपर अटैक, सेम साइड, साइड की अटैक, अटैक मावशी गिर, जैसे या इस साइड में मावशी गिर अटैक करता, अटैक 1, अगेन पोजीशन 2, बस 3, किक push, 1, push, copy, 1, 2, okay, ready, मतलब defense, attack, defense चेस्ट अटैक मूवमेंट पे सामने अटैक सेम की का अटैक 1, 2 कहाँ पे नी राइट 1 यानी क्या से लेग से एवरी मूवमेंट मतलब जैसा भी हमारा मूवमेंट होता है उसके ऊपर रोड फाइट यूज होती है जैसे रोड फाइट में कौन सा टेक्निक किस तरह से और फाइट में यूज होगा वो बहुत जरूरी होता है जैसा कि विंग चुंग में यही मूवमेंट करते हैं ना पोजीशन अटैक की इस मूवमेंट है ना 1 ओके नो डिफेंस डिफेंस एंड अटैक मतलब साथ में कॉम्बिनेशन दोनों का भी डिफेंस का भी और अटैक का भी किसी भी साइड से तो मूवमेंट लिया अटैक ट्रिपल कैसे ट्रिपल इसे स्लो देखना 1 ये भी अटैक हुआ और ये भी ट्रिपल kick 1, 2 सेम पोजीशन में जैसे फ्रंट किक मतलब फ्रंट किक जैसे यूज होता है ना जैसे फ्रंट किक यहाँ पे यूज होता है तो वो फ्रंट किक में कोई भी इस तरह से डिफरेंस नहीं होता है जैसे कि बोला गया है कि भाई तुम ऐसा दबाओ या फिर इस तरह से दबाओ जैसे करंट में बताते हैं ना कि भाई इसे किक मारो अटैक करो 1 डिफेंस करो लेकिन कितना फास्ट है ना कि डिफेंस होता ही नहीं डिफेंस के बारे में अगर बोला जाए तो इसको डिफेंस करके दिखा मैं क्या करता हूँ व्हाट डिफेंस नहीं हुआ डिफेंस जब अटैक होता है तो यहाँ पे कितना भी वो सोचेगा ना तो भी यहाँ पे घुस जाते किस जगह पे उसका अगर डिफेंस करना है जैसे हम लोग बोलते हैं ना इसको कब यूज करते हैं जैसे स्टार्टिंग में यूज नहीं करते जैसे मार्शल आर्ट में बोलता है कि स्टार्टिंग में मेगिरी अलाउ नहीं करते मतलब अलाउ है लेकिन अगर वो पहले से हम लोग अगर मेगिरी यूज करते हैं तो सामने वाले को डिफेंस के लिए ये मूवमेंट हो जाता है जैसे लेकिन उसको बीच में यूज किया जैसे अटैकिंग हुआ जैसे यहाँ पे पंच अटैक पंच 1, 1, 2 है ना 3, 4
बाद में मैंने क्या किया, इसको पुश किया, इस लाइक हल्का सा बॉडी को पुश किया राइट, सो मतलब कि अटैकिंग के बाद, मतलब जैसे हमने दो पंच मारे, मतलब पंच अटैक, वन वन टू स्ट्रेट स्ट्रेट पंच अटैक किया, उसके बाद सेम पोजीशन होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये यहाँ से ये जो भाग है इतना, ये मूवमेंट यहाँ पे स्टंट इस साइड में, यहाँ से लेके यहाँ तक सब एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्रेशर पॉइंट, उस जगह पे अटैक, मतलब फाइट के दौरान वहाँ पे ज़्यादा करके अटैक करते हैं यहाँ पे, अगर इससे अटैक किया, अटैक करो कैच किया, चला कैच करो वन ना, डिफेंस अटैक, जस्ट अटैक, मतलब विंग चुन में किस तरह से अटैक और डिफेंस होते हैं, जैसे अगर ये पंच स्ट्रेट वन टू ये डिफेंस, मतलब यहां से लेग को साइड में और हैंड को, अगर अटैक वन टू कैच टू थ्री अगे वन टू थ्री कैच थ्री फोर, अरे फोर वन फोर टू डिफेंस, अरे वन टू कहाँ पे, इस जगह पे कैच वन कैच, डिफेंस हो गया है, डिफेंस के बाद इसको मूवमेंट लिया, मतलब डाउन किया, अभी विंग चुन में इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मार्शल आर्ट में विंग चुन के ऐसे एक आर्ट है जिसके बारे में डबल अटैकिंग और कंटिन्यू हैंड मूवमेंट होते हैं, लाइक यहाँ से मूवमेंट किया इस अटैक बस अटैक वन अगे वन वन एट उस यहां से वन पुश एट सामने, ज्यादा करके रोड फाइट में यूज होता है, जैसे हम लोग अब मूवमेंट वन यहाँ पे चलते अटैक वन टू थ्री फोर, नेक्स्ट मूवमेंट में साइड साइड में, जैसे साइड साइड में पंच अटैक, जिसमें गैप है मूवमेंट वन अगे वन टू थ्री, सामने वाला डिफेंस करता है, समझ लो वन वन टू थ्री डिफेंस डाउन करो राइट फोर राइट कैच कैच फोर वन राइट पुश, मतलब ऐसे जो टेक्निक होते हैं जैसे यहाँ से टेक्निक किया या फिर कुछ भी अलग चीजें भी करके रखी, देखी ये मेरा हाथ पकड़ा हुआ है ऐसे बोलते हैं, हाथ पकड़ा है तुम्हें सिंपल वेरी सिंपल ओके। सो आज हम लोग विंग चुन के बारे में प्रैक्टिस किए, विंग चुन टेक्निक के बारे में समझे, तो डिफेंस और अटैक और किस तरह से अटैक करना चाहिए इसके बारे में समझे, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसी के बारे में वापस से आपको समझाने वाले हैं, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय ओके।